बारीक चॉप गार्लिक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी, शक्कर, नमक, बेकिंग पाउडर, दही, दूध, बटर, फ्रेशिस्ट, कलौंजी, मैदा और तेल। ये हमने 125 ग्राम मैदा लिया है, इसके लिए 5 ग्राम हमने फ्रेशिस्ट लिया है। ये मैंने फ्रेशिस्ट लिया है, आप इसकी जगह ड्राई लिस्ट भी ले सकते हैं, और दही और बेकिंग पाउडर से भी कुलचा बनाया जा सकता है, पर बेस्ट रिजल्ट के लिए और सॉफ्टनेस के लिए हमें ईस्ट लेना जरूरी है। सबसे पहले हम ईस्ट एक्टिवेट करेंगे। ये हमने 5 ग्राम ईस्ट लिया है, इसमें हमें 1/2 टीस्पून शुगर, 1/2 टीस्पून मैदा और 2 से 3 चम्मच हमें मिल्क डालना है। ये दूध वार्म होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए ज़्यादा। इस तरह से 2 टेबल स्पून हमने ये इसमें मिल्क डाला है। इसको सबको अच्छे से मिक्स करके अब हमें इसको ढककर और किसी ऐसी गर्म जगह पर रखना है जहाँ की हवा न लगे। 5 से 7 मिनट के लिए इसे एक्टिवेट होने के लिए रखना है। मैं इसे बंद माइक्रोवेव में एक्टिवेट होने के लिए रख रही हूँ। इस तरह ये 5 से 7 मिनट में एक्टिवेट हो जाएगा। यह हमारा ईस्ट एक्टिवेट हो गया है। अब हम डो तैयार करेंगे। अब ये हमारे 125 ग्राम मैदा है, इसमें हमें 1 टेबल स्पून दही, 1 टेबल स्पून दही, पिंच बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा नमक, और ये ईस्ट मिक्स करना है। सबको अच्छी तरह मिक्स करके हमें ये वार्म मिल्क से आटा गूंथना है, मैदे को गूंथना है, ढीला ढीला आटा गूंथना है हमें, एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है। इस तरह से ये हमारा एकदम स्टिकी डो तैयार हो गया है। इस तरह ये हमारा डो गूंथ के तैयार है, ढीला एकदम। इसको हमें ढक के और 40 मिनट के लिए लगभग हमें गर्म जगह पर रखना है। मैं इसे फिर से माइक्रोवेव में रखती हूँ जहाँ की बिल्कुल हवा नहीं लगे। 40 मिनट के लिए हमें इसे प्रूविंग के लिए रखना है। अब हम स्टफिंग के लिए सबसे पहले पैन में तेल डालते हैं। ये हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 चीनी प्याज, 1 टेबल स्पून प्याज, 1/2 टीस्पून लहसुन, 1/2 टीस्पून अदरक और 1/2 टीस्पून बारीक कटी हरी मिर्च डाल के हम इसे सौते करेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच शिमला मिर्च डालेंगे और सौते करेंगे, और 2 चम्मच हमें टमाटर, हमने ये डीसीड करके लिए हैं, इसकी बीजें निकाल कर हमने इसे बारीक चॉप किया हुआ है, 2 चम्मच हम इसमें टमाटर डालेंगे और सौते करेंगे। अभी हमारी सब्जियां थोड़ी सोते हो चुकी हैं। अब हम इसमें सूखे मसाले, पिंच हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून या स्वादानुसार मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ में से क्रश करके डालेंगे। सबको अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, फिर से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ये हमारा ग्रेट किया हुआ पनीर डालेंगे। आधा कप पनीर है, सबको मिक्स करेंगे। यह हमारा स्टफिंग रेडी है। अब हम गैस बंद करेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती मिक्स करेंगे। सबको अच्छी तरह मिक्स करके हम बाउल में निकाल लेंगे। यह हमारा डो फूलकर तैयार है। अब हम इसे अच्छे से मसलना है। थोड़ा सा मैदे का हाथ लेंगे और इसे वापस अच्छे से मसलना है हमें। थोड़ा सा हम हाथ को तेल लगाएंगे। हमारा डो बहुत स्टिकी होता है, ये हाथ में चिपकता है। तेल लगा के हमें एक साथ करेंगे इसको। ये देखिए एकदम बढ़िया सॉफ्ट डो हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसकी दो बड़ी लोइयां बनाएंगे। बड़े साइज की लोई बनानी है हमें। अब हम इस लोई में इसको थोड़ा सा यूं स्प्रेड करके हाथ से, और इसमें हमें स्टफिंग भरना है। कचौरी में स्टफ करते हैं इस तरह से, इसमें हमें ये पनीर का स्टफिंग करना है। और इसको अच्छी तरह से सील करना है ऊपर से। अब हम इसे थोड़ा सा मैदा लगा के और धीरे धीरे यूं हाथ से फैलाएंगे और फिर हल्का सा बेलन से हमें इसे बेलना है हल्के हाथ से। यह हमारा कुलचा बेलकर रेडी है। अब हम इसे तवे गरम तवे पर सेकेंगे। अब हम इसे ऊपर से थोड़ा सा पानी का हाथ लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे इसके ऊपर, और उसके ऊपर थोड़ी कलौंजी पानी के हाथ से यूं दबा देंगे, कलौंजी लगाएंगे और थोड़ा हरा धनिया। अब हमें इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेकना है। अभी हमारा पनीर कुलचा सिककर तैयार है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम ये हमारा दूसरा कुलचा बेलेंगे, तो थोड़ा सा हल्के हाथों से बेलेंगे। अब हम बेकिंग ट्रे को ग्रीस करेंगे और स्टफिंग वाली साइड हमें नीचे रखनी है इस तरह। तब हम इसको थोड़ा सा पानी का हाथ लगाएंगे, उसके ऊपर थोड़ी कलौंजी
और थोड़ा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे। अब हम इसे ओटीजी में 180 डिग्री पर 5 मिनट के लिए बेक करेंगे। हमने ये ओवन प्रीहीट कर रखा है, 5 मिनट के लिए हमें इसे 5 से 7 मिनट में ये बेक हो जाएगा। यह हमारा कुलचा 5 मिनट बाद बेक होके रेडी है। अब हम इसे बेक होने के बाद अब हम इसे बटर लगाएंगे। और इसे सर्व करेंगे। अब हम ये जो कुलचा हमने तवे पर बनाया है इसे भी पीस करके सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज आईज टू माउथ संगीता विश्वरूप.com पर लाइक कर सकते हैं।